हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर ऑल सोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्लास 5th ग्रामर जोन एंड पब्लिकेशन इज़ इडुलाइन NEP अपडेटेड विथ फीचर. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, डैट इज़ एडजेक्टिव्स, लेसन नंबर 8, पेज नंबर इज 80. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण होता है, आपने हिंदी का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर आता है एक विशेषण. अब ये विशेषण होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके रूल कैसे होते हैं और इसको हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करते हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे. और इससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, आने वाली सारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, सारा सोल्यूशन अवेलेबल होगा. तो देखते हैं, इसका मतलब होता है विशेषण, मतलब कि किसी चीज़ की विशेषता बताना, उसके बारे में कुछ गुण बताना उसका, वही उसका एडजेक्टिव होता है. मतलब कि उसको डिस्क्राइब करके बता देना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता देना है. अब सामने आपको जो सी ये दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर, अभी दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इसकी विशेषता अगर हम पूछें तो ये क्या है, ये हम कह देंगे ब्लैक है, ठीक है, डेंजरस भी है, इस तरह से हम इसकी विशेषता बता सकते हैं. अब कह दें हम फ्लावर्स, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, अब उसकी विशेषता बताओ या उसका गुण बताओ या फिर उसकी क्वालिटी बताओ, तो हम पूछेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, पिंक है, या फिर कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल है, या कह देंगे स्मॉल है. इस तरह से हम एडजेक्टिव को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नाउन है ना, नाउन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग ही हम एडजेक्टिव लगाते जा रहे हैं. तो चलिए करते हैं इसकी थ्योरी. इसमें दिया हुआ है वर्ड्स डैट आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, मतलब कि जो वर्ड यूज होते हैं नाउन का डिस्क्राइब करने के लिए, उसी को ही हम क्या कह देते हैं, विशेषण कह देते हैं. और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी टेल अस अबाउट द काइंड क्वालिटी नेचर ऑफ ए नाउन, मतलब कि उसकी काइंड बता देगा, उसकी क्वालिटी बता देगा, उसका नेचर बता देगा. और फिर भी हमें कन्फ्यूज रहे तो हम उस सेंटेंस से क्या पूछेंगे, व्हाट काइंड, बस उसी के साथ ही आपका आंसर उसी टाइम आपके सामने आ जाएगा. जैसे एक काइंड गर्ल, एक दयालु लड़की, अब ये लड़की क्या हो गया, ये तो हो गया नाउन. अब वो लड़की की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, उसका एडजेक्टिव क्या है, तो वो क्या है, काइंड. काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु. तो ये हो गया उसका अच्छाई वाला पार्ट, मतलब कि क्या उसके अंदर अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताएं ना, एक तो कह दें ये लड़की है, एक हम ऐसे कहते हैं कि ये बहुत ही दयालु लड़की है, थोड़ा सा डिस्क्राइब हो गया ना, तो जिस वर्ड ने डिस्क्राइब किया वही आपका क्या है, एडजेक्टिव. अब नेक्स्ट है ए बिग बॉक्स, बॉक्स तो क्या हो गया, नाउन हो गया. अब बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं, वो बिग भी कह सकते हैं, स्मॉल भी कह सकते हैं, और ओल्ड भी कह सकते हैं, अगले भी कह सकते हैं. तो इस तरह से हम एडजेक्टिव्स तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस बॉक्स को चेंज मत कर देना, नाउन को चेंज मत कर देना. अगर नाउन चेंज हो गया तो फिर सारे के सारे एडजेक्टिव्स ही चेंज हो जाएंगे. अच्छा, क्वालिटीज़ में कैसे होता है, जैसे हो गया हमारा नाइस है, वो पर्सन कोई भी है, नाइस है, काइंड है, प्रीटी है. फीलिंग्स में कैसा है, हैप्पी है, सैड है, ग्लैड है, या फिर अगर हमने कोई सेंसेशन देखनी है, हमारे जैसे 5 सेंसेस होते हैं, तो टेस्टी, इस तरह से कलर का देख लो, शेप का देख लो, ऑर्गन्स का देख लो, मटेरियल का, तो ये हमें क्या बताते हैं, विशेषता. करते हैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट. और इसके ए पार्ट में दिया हुआ है सर्कल द एडजेक्टिव, मतलब कि जो से हमें विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, उसको हम सर्कल कर देंगे. और लिखना क्या है, हमने नाउन को लिखना है. फर्स्ट है ए टीनी किटन, एक छोटी बिल्ली, बिल्ली का बच्चा लगा लो. अब जो सा ये बिल्ली का बच्चा, ये तो है आपका नाउन, ये तो है हो गया किटन, लेकिन अब उसकी विशेषता क्या है, वो क्या है, टीनी, छोटा है. हम बिग भी कह सकते थे, मिस्चीफ भी कह सकते थे, वाइट भी कह सकते थे, ग्रे भी कह सकते थे. तो अकॉर्डिंग टू नाउन हम एडजेक्टिव तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन नाउन को चेंज नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट वन इज़ ईला इज़ क्लेवर, ठीक है, ईला तो क्या हो गया, नाउन, ठीक है, इला तो हो गया इंसान का नाम, हो गया नाउन हो गया. अब कई बच्चों को नाउन नहीं पता, तो वो जो पूरी दुनिया में जिस जिस चीज़ के नाम है ना, वो नाउन ही होते हैं, मतलब कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. और इला तो हो गया नाउन, और वो है क्या, वो है चालाक, क्लेवर, ये उसकी विशेषता है, ये उसका गुण है, ये उसकी क्वालिटी है. थर्ड है द ग्रीन कारपेट, कारपेट तो है आपका नाउन,
और वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो ग्रीन है, मतलब कि उससे पहले लगाया जाता है। कभी भी आप पीछे मत लगा देना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा पहले लगता है ना उनके। अब वो ग्रीन कारपेट है, रेड कारपेट है, ब्लू है, ओल्ड है, बिग है, एक्सपेंसिव है या चीप है, तो वो आप एडजेक्टिव चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नाउन। एंड फोर्थ इज द बनानास आर रिप, तो यहाँ पे बनानास और रिप को देख लेना। फिर है मम्मी बोथा सिल्क साड़ी, अब साड़ी क्या हो जाएगा आपका नाउन और सिल्क की है वो क्या है, उसकी विशेषता है, वो उसकी एडजेक्टिव है, वो उसका गुण है, वो उसकी क्वालिटी है। सिक्स में अब क्या करेंगे, शांति इज अनवेल, शांति तो क्या हो गया नाउन, अब उसके बारे में बात क्या बताइए कि वो क्या है अनवेल। और सेवन्थ में हो जाएगा देयर इज़ एन एग्जीबिशन ऑफ इजिप्टियन आर्ट, आर्ट क्या है आपका नाउन और इजिप्टियन क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर गौरव इज़ होनेस्ट, गौरव तो नाउन है क्योंकि इसका नेम है और वो होनेस्ट है, तो क्या हो जाएगा उसकी क्वालिटी। अब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ ए नाउन और अबाउट देयर प्लेस और पोजिशन इन अ सर्टेन ऑर्डर, अब आपको ये बताया जाएगा कि कहाँ वन कहाँ टू थ्री यूज़ होते हैं और कहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से यूज़ होते हैं। बी पार्ट में दिया हुआ है अंडरलाइन द करेक्ट एडजेक्टिव, अंडरलाइन करना है आपको, मैंने टिक कर दिया, आप देख लो। फर्स्ट है कोयल वाज द फर्स्ट पर्सन टू फिनिश राइटिंग द एसे, कोयल ही एक ऐसी इंसान थी जिसने पूरा का पूरा एसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। सेकंड है आई हैव वन डे टू मेक दिस पोस्टर, तो मुझे कितना दिन लगेगा, एक दिन लगेगा। और थर्ड है छाया स्टूड फोर्थ इन द नेशन वाइड टैलेंट कॉन्टेस्ट, तो वो फोर्थ नंबर पर आई है, तो टी एच लगाना पड़ता है, सिर्फ फोर नहीं लिखते होते हम। नेक्स्ट है उमंग वाज वन ऑफ टू पीपल डैट आई न्यू एट द पार्टी। लास्ट है रीड द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी अगेन, टू नहीं होता सेकंड पैराग्राफ होता, ये आपको देखना पड़ेगा कि नंबरिंग की कहाँ पे ज़रूरत है और कहाँ पर स्थान की ज़रूरत है। नंबरिंग की ज़रूरत है वन टू थ्री आएगा, किसी स्थान की बात बता रहे कि फोर्थ पोजिशन पर आया, फिफ्थ नंबर पर आया, सेकेंड आया, तो ये आपको ये करने पड़ेंगे। आगे हम सी पार्ट में करेंगे मैच दिस एडजेक्टिव टू देयर अपोजिट्स, मतलब कि अब हम करेंगे अपोजिट मतलब कि उल्टे, जो से हम हिंदी में करते हैं ना विपरीतार्थक शब्द, वो करेंगे अब। फर्स्ट है जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है फर्स्ट, फर्स्ट का हो जाएगा लास्ट, वर्स्ट बुरा इसका हो जाएगा बेस्ट, ईजी ईजी का बन जाएगा हमारा डिफ़िकल्ट, बोरिंग का हो जाएगा इंटरेस्टिंग, नैरो तंग का, भीड़े का हो जाएगा वाइड चौड़ा, और केयरफुल का हो जाएगा केयरलेस। ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग में डाली हुई है, आप देख सकते हो, अदरवाइज़ मैंने मैचिंग भी कर दी है, वो भी देख लेना। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट, डी पार्ट में दिया सर्कल वन एडजेक्टिव इन ईच सेंट डैट इज़ नॉट अ सिनोनियम, सिनोनियम नहीं है, सिनोनियम होता है समान वर्ड नहीं है, ऐसे से सिनोनियम और ऐसे से ही सेम नहीं है, वो बताने। अब फर्स्ट है जैसे हमारा एंग्री, एंग्री का मतलब होता है बिल्कुल आग बबूला, फ्यूरियस गुस्से में एकदम लाल, तो उसका क्या नहीं है एक्सपायर्ड, ठीक है। फिर है डिसअपॉइंटेड, इसका क्या नहीं है डिस्प्लेड। फिर है सिक, इसका क्या नहीं है डिसमेड। और फैसिनेटिंग मंत्रमुग्ध होना, और इसका क्या नहीं है स्केनिंग नहीं है। इसके अंदर क्या पूछा गया था, नोट पूछा गया था, जैसे कि हमारे सी टेट के अंदर बहुत सारे आते हैं ना क्वेश्चन नोट वाले, नोट को देखना मत भूलना। आगे ये आप कर ही लेना, आपके टीचर करवा देंगे, लिसनिंग वाला पार्ट है। अब हम करते हैं इसका एफ पार्ट, चूज वर्ड्स फ्रॉम द बुक्स टू कम्प्लीट द टेबल, टेबल को हमने कम्प्लीट करना है। और इसके अंदर दिया हुआ है पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद हमने सिनोनियम करना है और उसी वर्ड का ही एंटोनियम करना है। सिनोनियम होता है सेम वर्ड, एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। फर्स्ट है स्मार्ट, स्मार्ट है तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बहुत क्लेवर है, और एंटोनियम उल्टा क्या हो जाएगा तो बहुत ही डम है, ठीक है। और सेकेंड में हो जाएगा ऑर्डरली, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और इसका अपोजिट है अनटिडी बिल्कुल मैला कुचैला गंदा सा। थर्ड है अनइम्पोर्टेंट, इसका हो जाएगा यूजलेस, और इसका अपोजिट होएगा इम्पोर्टेंट।
फिर है ट्रू, ट्रू का सेम होएगा करेक्ट और गलत क्या होएगा फॉल्स। गॉर्जियस का हो जाएगा लवली और इसका अपोजिट होएगा अगली, अगली मीन्स भद्दा। अब आ गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव क्या होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाए अधिकार के बारे में, ये होता है अधिकार वाचक विशेषण, जिस चीज़ के ऊपर उसका अधिकार हो, जैसे ये फ़ोन मेरा है, ये बुक मेरी है। इसका ने दिया हुआ है ए पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव डैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो होम द नाउन बिलोंग टू, जैसे दिस इज़ माई कैट, डैट इज़ हर टेल। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हर, दिस, आवर, इट्स, ये। टिक द सुटेबल पोजेसिव एडजेक्टिव इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी है आप उसको करना। फर्स्ट है दिस पेन बिलोंग्स टू जेन, ये पेन किससे बिलोंग करता है, जेन से। इट इज़ हर पेन, ये उसका पेन है, लड़की के बारे में बताया गया है। सेकंड है मिस्टर एंड मिसेस सेन हैव सोल्ड देयर हाउस एंड मूव अवे। थर्ड है द पपी चेस भाग रहा था इट्स टेल इन सर्कल। फिर सीमा इज नॉट डैट यूअर टेनिस रैकेट, ये आपकी नहीं है। और फिफ्थ हो जाएगा आउच आई हर्ट माई टोए, तो मैंने मेरे मतलब कि पैर के अंगूठे के ऊपर ही चोट खा ली है। और माई सिस्टर एंड आई आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स, मिलने जा रहे हैं दादी दादाजी को। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट एच पार्ट, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पहले एक छोटी सी टेबल दी हुई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि एक ही सेंटेंस के अंदर आपको ना एक तो मिलेगा पोजेसिव एडजेक्टिव, वो तो होएगा सेंटेंस के बीच में, और एक मिलेगा आपको पोजेसिव प्रोनाउन, वो होएगा सेंटेंस के लास्ट में। अब आपको पता कैसे लगेगा, इनके पीछे ना हमेशा आपको एस लिखेगा। एस कैसे दिखेगा, मतलब कि आवर्स लगा देगा, देयर्स लगा देगा, हिज लगा देगा, जैसे एच आई एस हो गया, ये ओ यू आर आवर हो गया, ये टी एच ई आई आर देयर्स हो गया, इस तरह से आपको एस दिखाई देगा, वो होते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउन। अगर वही एस हटा करके यहाँ पर लिख दे तो ये हो जाएगा आपका हिज, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, आवर हो जाएगा इस तरह से। ये दिए हुए हैं आप लर्न कर लेना, माई यूअर हिज हर, ये इस तरह से है। और अब हम करेंगे इसका एच पार्ट, यही फील करना है आपको। फर्स्ट है जैसे ग्रैनी एंड लीना मिस्ड देयर बस टुडे, अब देखो ये सेंटेंस की लास्ट में तो नहीं है, बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और फिर है द नोटबुक विद ब्लू स्क्रिप्ट इज माइन, लास्ट में आया ना तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, बीच में आया ये हर आया नेक्स्ट तो ये एडजेक्टिव, ये यूअर आया तो ये एडजेक्टिव होता जाएगा। और अगर आते जाएं लास्ट में, ये देखो ये लास्ट में भी आया और पीछे एस भी आया, तो ये होता है प्रोनाउन, ये बीच में आया तो ये है एडजेक्टिव। और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। आगे कंट्रक्शन आ गया इट इज़, ये ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देते ना तो इसका मतलब होता है इट इज़, और ये बन जाता है इट्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ ये कंट्रक्शन है। तो करते हैं फिर इसका आई पार्ट, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट, सर्कल करने हैं पहले तो, और फिर बताने पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे देयर आर आवर पेरेंट्स, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर प्लीज़ पुट देम इन हर रूम, तो ये भी एडजेक्टिव। लुक एट द पपी चेसिंग इट्स ओन टेल, ये भी एडजेक्टिव। आर देयर स्पेक्टेकल्स यूअर्स, अब एक तो ऐसा है पीछे और एक लास्ट में है, एंडिंग में है ना सेंटेंस की, तो ये प्रोनाउन हो जाता है। फिर है फिफ्थ वाला देयर इज द बर्ड इज इन इट नेट्स, इट नेट्स, ये वाला इट्स मत करने, ये इट इज हो जाता है। लास्ट है देयर प्लेन शुड बी हैंडिंग सून, लैंडिंग सून, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर आ जाते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसके अंदर भी बहुत सारी चर्चा करेंगे, कैसे आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, लेकिन ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड विद मी।